नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि DRDO का दोस्तों एग्जाम दिए हैं, तो उनका दोस्तों रिजल्ट आ चुका है DRDO सेप्टेम्बर 10 ANDA का। तो जो लोग रिजल्ट नहीं देखे हैं तो आपको objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर DRDO सेप्टेम्बर 10 ANDA रिजल्ट 2023 पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा DRDO सेप्टेम्बर 10 ANDA रिजल्ट 2023। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि DRDO का जो कट ऑफ है अलग अलग पोस्ट के लिए कितना कितना गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो देखिए आपको कट ऑफ देखने के लिए यहाँ पर देखिए लिंक मिल जाएगा DRDO सेप्टेम्बर 10 ANDA कट ऑफ 2023, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, या फिर दोस्तों न्यूज वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर देखिए न्यूज वाले सेक्शन में DRDO सेप्टेम्बर 10 ANDA कट ऑफ 2023 इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ये जो नया पेज है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों DRDO सेप्टेम्बर 10 का कट ऑफ जो है अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर डाल दिया गया है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो अलग अलग पोस्ट के लिए है, देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं किसका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले दिया गया है पोस्ट कोड के लिए, तो जिसका पोस्ट कोड है 1101 DRDO फायरमैन कट ऑफ 2023। DRDO फायरमैन का जो कट ऑफ है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ कितना गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फायरमैन का जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी में 99.230624 है, एससी कैटेगरी 96.444013 है, एसटी कैटेगरी का 93.178396 है, ओबीसी का 97.960445 है, ईडब्ल्यूएस का 98.1521201 है, पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी बी का है 52.305456 और कैटेगरी सी का है 75.566211 है, एक्स सर्विसमैन का 77.816845 है, एमएसपी का नहीं दिया गया है। अब दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों देखिए DRDO एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, इंग्लिश टाइपिंग का कट ऑफ यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कोई भी कट ऑफ हो, चाहे आप फायरमैन का कट ऑफ देखें या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग का कट ऑफ देखें, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो कट ऑफ बनाया गया है ये बताया गया है इसमें कि परसेंटाइल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय लास्ट कैंडिडेट क्वालिफाइड टीयर 2 इसके लिए फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट। कह रहा है दोस्तों ये जो कट ऑफ बनाया गया है यह दोस्तों टीयर 2 में जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं इसके लिए फिजिकल फिटनेस या कैपेबिलिटी टेस्ट के लिए, उसमें जो लास्ट कैंडिडेट है उनका यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर दिया गया है जो जो कि ये कट ऑफ में आपको दिख रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो DRDO सेप्टेम्बर 10 ANDA का कट ऑफ अगर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग कर देखेंगे तो जो लड़का पास हुआ है सबसे कम नंबर में वो है अनरिजर्व कैटेगरी में 99.358488 यानी कितना परसेंटाइल मिनिमम वाले का है। ठीक, तो इसी के यानी कि परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ही आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और ये मिनिमम परसेंटाइल जो सबसे लास्ट में स्टूडेंट है जो क्वालिफाई किया है उसका यहाँ पर ये नंबर दिया गया है। ठीक, और वही ये आपका कट ऑफ हो गया है परसेंटाइल कट ऑफ। ठीक, तो ऑरिजर कैटेगरी में देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग का है 99.358428 और एससी कैटेगरी है का है 97.963622 है, एसटी कैटेगरी का 94.855684 है, ओबीसी का है 98.981654 है, ईडब्ल्यूएस का है 98.851961 है, पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी ए का देखेंगे तो 94.501122 है और कैटेगरी बी का 77.345961 है, कैटेगरी सी का 96.1436442 है, कैटेगरी डी का 58.618783 है और एक्स सर्विसमैन का 93.2324059 है और एमएसपी का है 98.966208 है। ठीक, और देखिए यहाँ पर जो पोस्ट कोड है 0801 0801, तो DRDO सिक्योरिटी असिस्टेंट का यहाँ पर अगर कट ऑफ देखना चाहेंगे तो देखिए DRDO सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो कट ऑफ है वो कितना किया है, यहाँ पर जिसकी पोस्ट कोड 0801 यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट अनरिजर्व कैटेगरी में 96.324578 है, एसएससी कैटेगरी में 95.242007 है, एसटी कैटेगरी का यहाँ पर नहीं दिया है, ओबीसी का 95.277475,
सी का है 58.06978177 है और एक्स सर्विसमैन का 86.196151564 है और एमएसपी का यहाँ पर ऐसे दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं बाकी और जो भी अदर पोस्ट बचता है दोस्तों, वो भी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों कुछ देर में अपडेट कर दूंगा जैसे ही मुझे मिलेगा, क्योंकि दोस्तों पता होना चाहिए आपको कि अलग अलग स्टूडेंट जो भी पास हो रहे हैं उनसे ये स्क्रीनशॉट लेना पड़ रहा है, तो वो लोग भेजेंगे जैसे अदर पोस्ट वाले, तो वो भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा। या फिर अगर आपके पास इस स्टेट के अलावा किसी के पास है तो वो आप दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर जाके मैसेज कर सकते हैं। या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और उसमें जो एडमिन है उनके पास मैसेज कर दीजिएगा, तब भी काम चल जाएगा। ठीक, तो यही है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और डीआरडीओ का अगर रिजल्ट आप लोग नहीं देखे तो यहाँ पर रिजल्ट का लिंक दिया गया, आप लोग इस पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी कैंडिडेट हैं जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट को अभी तक नहीं विजिट किए हैं जाके विजिट करिए, यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड सभी अपडेट दिए जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट है, और इसके बाद देखिए आंसर की अप्रेंटिस वैकेंसी, अप्रेंटिस रिजल्ट, इसके बाद प्राइवेट जॉब मॉक टेस्ट, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी मटेरियल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन, ITI एग्जाम, न्यूज, सभी यहाँ पर आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट का एक बार जरूर विजिट करें। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।